इन दिनों सोशल मीडिया पर कृषि मंत्री जेपी दलाल का एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसको लेकर किसानों में गुस्सा है, रोष है और उसी को लेकर हर जगह किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आज करनाल जिला सचिवालय में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेता पहुंचे और उन्होंने बीजेपी और कृषि मंत्री जेपी दलाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों के चेहरे पर गुस्सा साफ देखने को मिल रहा था। किसानों की मांग है कि कृषि मंत्री को इन दिए गए बयानों के लिए बीजेपी से बर्खास्त करना चाहिए। ये बयान इस पद पर बैठे मंत्री को शोभा नहीं देते। उन्होंने कहा था कि इन किसान नेताओं के घर पर इनकी पत्नी भी इनकी बात नहीं सुनती है। इन किसानों पर मामले भी दर्ज हैं, जिसको लेकर किसानों में काफी गुस्सा था और वो जिला प्रशासन के अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे। बहरहाल माहौल काफी गर्म है। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इस बयान पर किसानों का और बीजेपी पार्टी का क्या रुख रहता है। के इस ऐसे बेहुते आदमी को रखने का अब कोई फायदा नहीं है सरकार में। जो समाज में लड़ाई करवाता हूँ, बगावत की भाषा बोलता हूँ, बहन बेटियों के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हूँ, समय रहते इसको बर्खास्त कर दो, नहीं भाजपा को भी इसका दंश झेलना पड़ेगा और इसको तो झेलना ही झेलना है, भाजपा भी इसका दंश झेलेगी। तो समय रहते ऐसे आदमी को बाहर करो, सरकार से तुरंत बाहर करो, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बैठक वगैरह भी की जाएगी किसानों की? हाँ बिल्कुल, बैठक भी होगी, बहुत कड़े फैसले भी लिए जाएंगे। खपों की हमारे चौधरी की पंचायतें शुरू हो चुकी हैं, कई जगह हो चुकी हैं और मैं सभी खाप चौधरियों से, किसान संगठनों से ये अपील करता हूँ कि जल्द एक जगह एक संयुक्त बैठक बुला करके संयुक्त फैसला लिया जाए, ताकि हम पूरी ताकत के साथ इस आदमी को सबक सिखा सके। कहाँ पहुंचे, क्या मांग लेकर? हाँ हाँ, आज सीएम सिटी में आज हम ये ज्ञापन देने के लिए आए और यहाँ प्रशासन को सौंपेंगे मुख्यमंत्री जी के नाम। देखिए, आज जो हमें जेपी दलाल जी जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उन्होंने एक आपत्तिजनक बयान किसानों के बारे में दिया, समाज सभ्य समाज के बारे में दिया। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वो अकेले इस बीजेपी में नहीं है, इस तरह के अनेकों लोग भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी इसी तरह के लोगों का जो समर्थन करती है। इसी प्रकार से ब्रजभूषण गुप्ता, ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं, इसी प्रकार से अजीतानी मिश्रा जी हैं, इसी प्रकार के चिन्ह स्वामी जी हैं, इसी प्रकार से कुलदीप सेंगर जी हैं, अनेकों लोग जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत नहीं करते, समाज की इज्जत नहीं करते और वो इस तरह के लोग बीजेपी में जो भरे पड़े हैं। तो हमारी तो मांग है कि इस तरह के आदमी को जो है संवैधानिक पद पे नहीं रहना चाहिए, उनको तुरंत प्रभाव से जो बर्खास्त करना चाहिए और जो है इस किसान वर्ग का जो है मान सम्मान जो है बहाल करना चाहिए। ऐसा है जी, आज जो जेपी दलाल है कृषि मंत्री, उसने बहुत गलत बयान दिया है हमारी बेटियों और बहनों के खिलाफ। उसके विरोध में हम आज डीसी साहब को एक ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम, जिसमें ये मांग की जाएगी कि उसको जल्दी से जल्दी उस पद से बर्खास्त किया जाए और बाहर निकाला जाए, लगभग पार्टी से ही बाहर निकाल दिया जाए। नहीं तो अगर इन्होंने ये कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं की तो हम आगामी कार्रवाई उसके घर में जाके इकट्ठा होकर के उसको उसके घर की नजरबंदी कर देंगे। भाई तब के कहेगा तब तो यह कहेगा विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिस आदमी के उल्टे दिनावा नहीं उसकी बुद्धि उल्टी हो जाए तो ये तो बीजेपी को खड़ागी सारी साफ है ऊपर तड़ा, मोदी भी नहीं आएगा और खट्टर भी नहीं आएगा, या तो लखवा लो। तो ये ऐसे आदमी को ऐसी बातें शोभा नहीं देते। कहने का तो बीजेपी कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो उनकी इज्जत कर नहीं रही, क्या मतलब है इसका? तो ये तो समझो गए।